दोस्तों, क्या आपके इंस्टाग्राम ऐप में वीडियो कॉल पे बात करते टाइम आपको साउंड नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों, पहले तो आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अब आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पहले तो हाउ यू यूज इंस्टाग्राम के ऑप्शन में नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पॉज ऑल का ऑप्शन दिखेगा, अगर ये इनेबल होगा तो आप इसे डिसेबल कर लेंगे, इस तरीके से ये डिसेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा नीचे मैसेजेस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है और यहाँ पे आपको जो भी ऑफ होगा सबको आप ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मैसेज रिक्वेस्ट को ऑन कर लिया है, उसके बाद इसको भी ऑन कर लिया है, मैसेज रिमाइंडर्स को भी ऑन कर लिया है। एंड सबको ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको कॉल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर ये ऑफ होगा तो आप इसे फ्रॉम एवरीवन पे सिलेक्ट करके ऑन कर लेंगे। उसके बाद दिखेगा आपको एडिशनल ऑप्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, अगर इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफ दिखेगा तो आप इसे अलाउ कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे चेक करना है कि आपका वीडियो कॉल का जो है ऑप्शन ये डिसेबल तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये सब इनेबल है और सभी का नोटिफिकेशन आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ का जो है प्रोसेस टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, इसे आपको डिसेबल करना है। अगर ये इनेबल दिखेगा इस तरीके से तो आपको डिसेबल कर लेना है, ऑफ कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब सबसे लास्ट प्रोसेस है, अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम ऐप पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा देर क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप करने से जो भी ग्लिच वगैरह होता है वो ठीक हो जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है एंड आपको क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको परमिशन के ऑप्शन में जाना है। एंड परमिशन के ऑप्शन में जाने के बाद आपको कैमरा एंड माइक्रोफोन को अलाउ करके रखना है। आप देख सकते हैं अलाउ के ऑप्शन में कैमरा एंड माइक्रोफोन है, अगर आपका नीचे होगा नॉट अलाउड के ऑप्शन में तो कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लोकेशन को कैसे अलाउ कर रहा हूँ। आपको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके और अलाउ कर देना है। इसी तरीके से आपको कैमरा एंड माइक्रोफोन को अलाउ करके रखना है। एंड यहाँ से आप बैक आएंगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।